इलस्ट्रेशन नंबर 1.4 स्टूडेंट, यहां पर हमें दो फोर्स दिए हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस कूलम फोर्स दिया है और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। किसके लिए कंपेयर करना है? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए एंड दो प्रोटॉन के लिए आपको ये स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। उसके बाद आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कितना मिलता है वो आपको ढूंढना है। यहाँ पर कुछ वैल्यू मैंने दी लिखी है, दो रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर, तो देखेंगे सॉल्यूशन। ये का सॉल्यूशन पहले हम देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। तो एफ ई यहां पर लिख लेता हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए कंपेयर कर रहा हूं फोर्स को। पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों के बीच में कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो ई होता है, प्रोटॉन का चार्ज ई होता है। मास कितना होता है, तो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का एम ई और प्रोटॉन का मास होता है एम पी। चलो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा कितना होगा, तो के एक का चार्ज ई दूसरे का चार्ज ई मीन्स स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर वन। दूसरा यहां पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा इसके ये दोनों के बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन मास, इसीलिए इसका जो मास है वो एम ई, इसका मास एम पी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, ये इक्वेशन नंबर टू। ये दोनों को हमें कंपेयर करना था, तो टेक रेशियो ऑफ इक्वेशन वन एंड टू। स्टूडेंट आपको यहां पर मिलेगा एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी इज इक्वल टू के स्क्वायर, और ये डिवाइड में आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जी एम ई इंटू एम, आर स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा। स्टूडेंट यहां पर हम जो वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये सारे जितने भी टर्म है सबकी वैल्यू में पुट करता हूं, तो के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 रेज टू 9, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 का होल स्क्वायर, जी कितना होता है, तो जी होता है यहां पर लिखा है 6.67 इंटू 10 रेज टू -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.11, इस 9.1 भी लेते हैं चलेगा, इंटू 10 रेज टू -31, और मास ऑफ प्रोटॉन जो इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 रेज टू -27। स्टूडेंट अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलता है, बुक से थोड़ा डिफरेंस है, चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बुक से थोड़ा डिफरेंस है आंसर। यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, वो आंसर आपको मिलेगा 2.27 इंटू 10 रेज टू 39। तो देखो ये रेशियो है, किसका रेशियो मिला, एफ ई बाय एफ जी। तो ए का फर्स्ट हमने ढूंढ लिया, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपेयर से हमें पता चलता है, देखो ये यहां पर आ जाएगा, तो एफ ई इज इक्वल टू 2.27 इंटू 10 रेज टू 39 इंटू एफ जी। देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 रेज टू 39 टाइम्स कौन बड़ा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स से बहुत ही छोटा होता है,
तो ये कैसे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहां पर दो प्रोटॉन के लिए हम देखेंगे, तो दो प्रोटॉन के लिए पहले हम क्या ढूंढेंगे, क्योंकि हमें वही करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो लेना है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा, तो एफ इज इक्वल टू इसका चार्ज ही, इसका चार्ज ही, मास भी दोनों का सेम, एम पी एम पी, तो एफ इज इक्वल टू के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, ये इक्वेशन नंबर थ्री। एंड एफ जी इज इक्वल टू कितना होगा, तो जी एम पी एम पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। स्टूडेंट रेशियो लेंगे, तो टेक रेशियो ऑफ इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर, इसको इक्वेशन नंबर फोर दे दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी इज इक्वल टू, उसका भी मैंने, हाँ यहां पर देखो, के स्क्वेयर अपॉन जी एम पी एम पी इज इक्वल टू, उसको सॉल्व करेंगे तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया पहले से, तो वो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1.238 × 10⁻³। देखो स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको बताया आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि सारी वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते पीछे वाली, क्योंकि हम यहाँ पर 1.239 समथिंग आता है तो वो हम नहीं लेते कैलकुलेशन में, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये हुआ रेशियो दो प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। अगर मैं इसको यहाँ पर ले लूंगा तो आप फिर से बोल सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना टाइम्स बढ़ा है, 3 × 10⁻³ टाइम बढ़ा है। अब है बी, बी में स्टूडेंट क्या ढूंढना है, तो बी में ढूंढना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लो और दूसरा ले लो प्रोटॉन, दोनों का चार्ज सेम होता है, दोनों को अगर हम, हाँ इसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका चार्ज नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का, अगर ये दोनों को हम मीन्स छोड़ दें तो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट होके एसोलेट होंगे, तो ये क्यों एसोलेट हो रहा है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है तभी है वो दोनों एसोलेट हो रहा है, तो ये दोनों का एसोलेशन ढूंढना है। तो हम पहले देखेंगे कि फोर्स एफ इज इक्वल, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स एफ इज इक्वल टू के, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ई और इनटू ई मींस स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हम आर ले, आर स्क्वायर, ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें दिया है 10⁻¹⁰ मीटर। तो यहां पर एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम ए और इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू एम। इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है तो यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पर होगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू आर स्क्वायर। स्टूडेंट सारी वैल्यू यहां पर हम है हमारे पास, यहां पर लिखी है सारी वैल्यू हम रखेंगे तो आप ये सॉल्व कर लेना वैल्यू रख के, तो आपको आंसर मिलता है 2.531 × 10⁻²² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर प्रोटॉन के लिए देखें तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यही इक्वेशन, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोटॉन का इसलिए एपी इज इक्वल टू के, चार्ज तो सेम है दोनों के लिए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एक्सेलरेशन जिसका होता है उसका मास होता है यहाँ पर, इनटू आर स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर सारी वैल्यू दी है, वो अगर आप वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.379 × 10⁻¹⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर
आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, पीछे वाला तो सेम होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा वो चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस में आंसर आता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं आना चाहिए तो चलता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो स्टूडेंट ये होता है एग्जाम्पल नंबर मिसिंग द स्टेशन नंबर 1.4।